तो सब रिसेंटली ना हैदराबाद से एक प्लान हमारे पास डिजाइनों निकला था, जिसका साइज़ के बारे में अगर हम बात करें तो 40 फीट, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी जो है वो लेंथ थी, और चौड़ाई के बारे में बात करें तो लगभग 30 फीट जो है वो थी। ठीक है, अब इसमें जो रिक्वायरमेंट थी पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ इसकी डायरेक्शंस। तो डायरेक्शन जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक तरफ जो है ईस्ट फेसिंग था, एक तरफ नॉर्थ फेसिंग था, और ये जो है ये आपकी ये ईस्ट, दिस इज़ नॉर्थ, और ये हो गई वेस्ट, ये हो गई साउथ। ठीक है, अब इसमें देखिए टू साइड ओपन था ये, और अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये हो गया आपका ईस्ट, और फिर इसमें जो है अगर आप देखेंगे ये पोर्शन हो गया आपका नॉर्थ, और फिर ये वाला पोर्शन हो गया आपका वेस्ट, और ये हो गया आपका साउथ। ठीक है, अब इसमें अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें दिखेगा कि सबसे पहले तो इनकी जो रिक्वायरमेंट थी 2 गाड़ियों की पार्किंग थी। सिंपली आपका ग्राउंड फ्लोर पे ना सिर्फ एक रूम ही हमें देना था, इसके साथ अटैच टॉयलेट आ जाए, और एक किचन देनी थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्री की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है एक एंट्रेंस यहाँ से प्रोवाइड कर रखी है, देन फिर एक एंट्रेंस जो नॉर्थ ईस्ट की हो गई, तो एक नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस हो गई और एक आपकी साउथ ईस्ट की एंट्रेंस हो गई। और उसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं, एक गाड़ी के लिए 10 फिट, फिर दूसरी गाड़ी के लिए लगभग 9.5 फिट यहाँ पर जो है जगह छोड़ रखी है। फिर जैसे ही अंदर आते हैं तो यहाँ से अंदर आते ही जो घर के अंदर जो घुसने का जो जो एंट्रेंस है वो जो है देखेंगे नॉर्थ फेसिंग है ये, और यहाँ से अगर बंदा बाहर निकलेगा तो नॉर्थ की तरफ जो है वो निकलेगा, और यहाँ से 2 स्टेप चढ़ के ये आपका पोर्च वाला एरिया हो गया, और एंट्री करते सबसे पहले आएगा हमारा लिविंग एरिया। और लिविंग एरिया का जो साइज़ है वो है 12 फिट 9 इंचज़ बाय 14 फिट 5 इंचज़ का, एंड इसके ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो ये लगा हुआ है टीवी, और इस टीवी वाली जो वॉल है ये है 9 फिट 4 इंचज़ की। देन फिर अगर बात करते हैं किचन की, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर किचन आ रखी है, और किचन जो है वो आपकी डाइनिंग के साथ अटैच कर रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसका जो प्रॉपर साइज़ है डाइनिंग को इंक्लूड करें वो है 15 फिट 3 इंचज़ बाय 8 फिट 5 इंचज़ का। और फिर इसके साथ ही अगर हम बात करें स्टेयर्स की, तो स्टेयर जो है वो विड्थ इसकी 3 फीट है, ट्रेड 10 इंचज़, राइजर 6.9 इंचज़ है, और यहाँ से जो है ऊपर चढ़ के व्यक्ति इस तरीके से फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच जाएगा। और फिर इसके साथ जो इनकी रिक्वायरमेंट थी कि हर तरफ से मतलब चारों तरफ से जो 1.5 फीट का जो इनको एक ओपन स्पेस इनको छोड़ना था, हालांकि ये स्पेस किसी यूजेबल पार्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी इनको छोड़ना था, तो उसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर 1.5 फीट जो स्पेस छोड़ रखा है। और अगेन साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इनका बेडरूम आ गया, और बेडरूम का जो साइज़ है वो है 11 फिट बाय 14 फिट 5 इंचज़ का, और यहाँ से हो गई एंट्रेंस बेडरूम की, यहाँ पे एक विंडो सीटिंग या फिर यहाँ पे 2 सीटर सोफा यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये बेड बेड के साथ आ गई आपके इस तरीके से साइड टेबल्स। और फिर इसके साथ ही में हो गया अटैच टॉयलेट, अटैच टॉयलेट में एंट्री करते हैं यहाँ पे हैंड वॉश का, फिर टॉयलेट सीट, और फिर यहाँ पे स्लाइडिंग ग्लास का पार्टीशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, और इसका 5 फिट 9 इंचज़ जो है वो इस तरीके से है। और फिर इसके साथ यहाँ पे जो टॉयलेट है वो यहाँ पे प्रोवाइड दे दिया, और पूरा जो बाथरूम का जो साइज़ है वो 5 फिट 9 इंचज़ बाय 11 फिट का यहाँ पर साइज है, तो काफ़ी अच्छा साइज यहाँ पे बाथरूम का निकल गया। तो इस तरीके से ये तो हो गया ग्राउंड फ्लोर। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की प्लान की तरफ। अब देखिए फर्स्ट फ्लोर की प्लान की तरफ चलते हैं, तो सिंपली यहाँ से स्टेयर्स चढ़ के आ गए आप ऊपर। तो स्टेयर्स चढ़ते ही, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप जाएंगे तो स्टेयर्स का यूज़ करके जाएंगे, तो स्टेयर्स पे आते ही सबसे पहले तो हो गया फैमिली लॉन्च प्लस सिट आउट एरिया, जो कि आप देख सकते हैं इसका साइज़ है 8 फिट 5 इंचज़ बाय 15.3 इंचज़ का ये स्पेस है, और कॉर्नर में 1.5 फिट जो स्पेस है ओपन स्पेस है तो कंटिन्यू चल ही रहा है, जिस वजह से आपको स्टेयर्स की यहाँ पे जो है वो प्रॉपर विंडो यहाँ पे मिल गई है। और इनके ऊपर की जो बेसिकली रिक्वायरमेंट थी ना वो 2 बेडरूम की रिक्वायरमेंट थी, जिसके साथ अटैच टॉयलेट आए, और हर बेडरूम के साथ जो है हमें बैल्कनी व्यू मिलना चाहिए, तो ये जो इनकी रिक्वायरमेंट थी। फिर हम चलते हैं अब देखिए बेडरूम की, तो एंट्रेंस होते ही ना यहाँ पे एक और बेडरूम यहाँ पर जो दे दिया 11 बाय 10 का ही हो गया साइज़ इसका। इसके ठीक सामने टीवी यूनिट आ गया, और इनको जो है वो एक गैलरी का व्यू जो है इस वाले बेडरूम के लिए मिल गया, जो है लगभग 5 फिट बाय 14 फिट 9 इंचज़ की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मतलब टेपर में जो है यहाँ पर विंडो यहाँ पे प्रोवाइड करी हुई है, जो कि बहुत ही सुपीरियर, बहुत ही एक डिफरेंट लुक जो है आपका लिविंग रूम को देने वाली है, और बाहर से भी जो है ये विंडो काफ़ी अच्छी लगेगी, जिसका साइज़ है 4 फिट 9 इंचज़ का। और इसी के साथ में यहाँ पे अटैच टॉयलेट है, जिसकी चौड़ाई है 4 फिट और लंबाई है इसकी 11 फिट की, और इसके साथ यहाँ पर जो है एक वेंटिलेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। फिर चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ, जिसका साइज़ है 11 फिट बाय 12 फिट 6 इंचज़ का, और इसके साथ भी अटैच टॉयलेट दे रखा है, जिसका साइज़ जो है वो सेम है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे साइज़ है टॉयलेट का, बिल्कुल वही सेम है। और इसके साथ भी जो यहाँ पर एक गैलरी प्रोवाइड करी हुई है 3 फिट बाय 8.5 फिट की। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग वास्तु और हर चीज़ का ध्यान में रखते हुए किस तरीके से करी हुई है, और आगे जो आप देख सकते हैं नीचे जो है
पार्किंग बिलो है, मतलब पूरा जो है वो यहाँ पर एरिया कवर नहीं करा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि प्लानिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है आपका तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और दोस्तों बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ना मैं इंस्टाग्राम पर रेगुलरली डालता रहता हूँ, तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।